रखो, जिंदगी तुम्हें हर वो चीज देगी जिसकी तुम हकदार हो। हाय गाइस, दिस इज तनीषा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नीट गाइडेंस प्लेलिस्ट जाके खोल के देखो, मैंने सारे वीडियोस बना के डाल चुका है जिसका आप कमेंट करते हो और मैं बोलती हूँ मैं बना चुकी हूँ। एक बार ही जाके देख लो फिर कमेंट किया करो, ओके? सो आज आपको पता है मेरी लाइफ में स्लीप शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंस है, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में, बट लोग इस पे एम्फेसिस कम करते हैं, वीडियोस कम बनाते हैं, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ गलत क्या हो रहा है। एक्चुअली उसके साथ गलत होता है उसका स्लीप शेड्यूल, जिसके वजह से पढ़ाई करने में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इंटरेस्ट लॉस होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ स्लीप शेड्यूल के पॉइंट्स जो पिछले वीडियो में रह रहे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देख लो, इधर थंबनेल लगा दे रही हूँ मैं। और सुबह कैसे जल्दी उठती थी मैं, क्या ट्रिक्स यूज करती थी जिससे मैं सुबह अपने आप को बेड से उठा के स्टडी टेबल तक लेके जाती थी। सो मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है? सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है सुबह जल्दी उठने के लिए वो है स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। 2 घंटे पहले स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बट अगर तुम्हारा बैकलॉग है और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो एटलीस्ट 1/2 घंटे पहले। अच्छा, स्विच ऑफ नहीं कर पाते कितने लोग, क्योंकि कितने लोग के पास अलार्म नहीं होता है, कोई मोबाइल में ही अलार्म लगाते हैं। तो सुनो, तुम अलार्म कौन सा लगाओगे? अलार्म मैं नाम बता देती हूँ जो मैं यूज़ करती थी, आई कांट वेक अप अलार्म, इधर मैं लगा दूंगी उसका जो होता है ना लोगो, वो अलार्म बेस्ट अलार्म है, ठीक है? लाइक दिस इज नॉट अ प्रमोशन, जस्ट मैं बता रही हूँ। और उसमें तुम अपने मनपसंद अपना फेवरेट गाना लगाओगे जो तुम्हें एकदम मतलब सुबह डांस करने में मजबूर करते हैं, सबका फेवरेट गाना होता है, और एकदम मस्त मूड हो जाए तुम्हारा सुबह जब वो अलार्म बजे और तुम्हारा फेवरेट गाना। हाय, मैं तो बहुत खुशी खुशी उठ जाती थी सुबह। लाइक मेरे लिए तो वो बेस्ट अलार्म वाला मतलब ऐप था। और तुम्हें पता है उसमें ना तुम मैथ्स सॉल्व करना होगा, तुम अगर बहुत बदतमीज हो, उठते ही नहीं हो सुबह एकदम, उसमें तुम मैथ सॉल्व कर सकते हो और उसको शेक कर सकते हो मोबाइल को। मैं तो शेक वाला हमेशा यूज़ करती थी, शेक करती थी ना तो मेरा नींद खुल जाता था। और उसमें तुम अल्फाबेट्स लिख सकते हो, मैं अभी तक यूज़ करती हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए सुबह उठना पड़ता है तो मैं अभी तक आज भी मैं उसको यूज़ किया है। सो वो बहुत अच्छा है, तुम वो ऐप यूज़ किया करो। और फ्लाइट मोड में करके अपना मोबाइल अपने से दूर रख दिया करो। लाइक मैं अपना टैब वॉशरूम में बेसिन के पास रखती थी और बहुत तेज़ अलार्म बजता था, मैं उठ के जब बेड से उठ के वॉशरूम जाती थी अलार्म बंद करने। और अच्छा, उस ऐप का ये खासियत है कि ये घंटे तक बजता रहेगा लेकिन वो बंद नहीं होगा, स्नूज वाला ऑप्शन नहीं होता उसमें। और उसमें मतलब तुम्हें प्रीमियम वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, ठीक है? और जब तुम बेसिंग, मैं जब बेसिंग तक उठ के जाती थी, लाइक मेरे रूम से बाथरूम दूर था, मेरा नींद खुल जाता था। और मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारा भी खुल जाएगा। और एक काम कर रहा है, सोने से पहले 2-3 ग्लास पानी पी लो जबरदस्ती, अगर जबरदस्ती 2-3 ग्लास नहीं पी पा रहे तो 1-2 ग्लास पी लो, ताकि तुम्हें सुबह वॉशरूम लग जाए। मतलब तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए उठना ही पड़े, एक तो पानी पीने वाला, एक तो अलार्म बाहर रखने वाला वॉशरूम में या तो अपने बेड से दूर, और एक अपना मस्त फेवरेट गाना लगा देना उसमें। फिर मैं तो डांस करते करते उठती थी, मैं बहुत खुशी खुशी उठती थी क्योंकि मेरा फेवरेट गाना रहता था, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट। सो द सेकेंड पॉइंट इज फिक्स्ड योर वेकिंग अप टाइम। ऐसा कुछ नहीं है यार कि तुम 4 बजे उठोगे तो ही तुम पढ़ पाओगे, तुम 8 बजे उठो चाहे तुम 10 बजे उठो, पर तुमको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं मैं इस टाइम रोज उठूंगा। और कितने लोग का कमेंट आया था मेरे पिछले वाली वीडियो में कि मैं जब उठता हूँ ना तो मेरे पूरा दिन मुझे नींद आता रहता है। तो मतलब तुमने जो तुम्हारा स्लीप साइकिल है उससे तुम 15-20 मिनट कम भी अगर सोते हो, 15-20 मिनट कम भी, तो तुम्हें पूरा दिन लेजी फील होता है। देखो, मैक्सिमम तुम्हारा स्लीप आवर्स 8-8.5-9 के ऊपर बिल्कुल मत जाना, लेकिन ये वन टाइम होना चाहिए, दोपहर में सोने वाला आदत छोड़ दो। इतना नींद अगर तुम ले लिए तो फिर तुम्हें बीच में नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें कैसा पता चलेगा कि तुम्हारा स्लीप साइकिल कितने आवर्स का है, वो भी मैं बता देती हूँ।
तो सुनो, अब तुम्हें स्लीप साइकिल अपना पता लगाना है कि तुम्हारा कितने घंटे का है। सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन 6 घंटे से नीचे नहीं जाना चाहिए और 8, 8.5, 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखो मैं बता रही हूँ, कितने लोग 5.5 घंटे में भी रिफ्रेश हो जाते हैं, मतलब वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये मेंटालिटी कभी मत रखना कि 4 ही घंटे सोना है दिन में, जो मेरी थी, जो मैं पागल थी, जिसकी वजह से मैं 10-10, 11-11 घंटे भी सो जाती थी कभी कभी। तो वो काम, वो गलती तुम लोग मत करना। 4 घंटे तो बिल्कुल ही, तुमको पढ़ना है यार पूरे दिन, तुम 4 घंटे सो के कैसे पूरे दिन 20 घंटे पढ़ सकते हो, एक्टिव ही नहीं रह पाओगे। सुनो अच्छा, कैसे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार, बुक कॉपी अपने आप बंद हो रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं ना लोग। तो रात का समय तुम अपना स्टॉप वॉच ऑन करना, उस दिन तुम अलार्म नहीं लगाओगे सुबह उठने का, आज ही करके देखना ये काम, ठीक है। तो जैसे ही तुम स्टॉप वॉच लगाए और तुम्हें बेड में बगल में मोबाइल रख के तुरंत सो जाना है, फिर अपने आप तुम जब सुबह उठोगे सूरज की रोशनी से, या हाँ मैं कर्टेंस अपना खोल के सोती थी ताकि सूरज की रोशनी पड़े तो मेरी नींद खुल जाए, तो जब तुम्हारा अपने आप नींद खुलेगा बिना किसी अलार्म के, उठना, स्टॉपवॉच बंद कर देना और देख लेना कि तुम्हारा कितना नंबर ऑफ आवर्स या कितना टोटल टाइम का तुम्हारा स्लीप साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना अलार्म लगाओगे, तुम पूरा दिन एक्टिव रहोगे, आई गारंटी यू दिस। ये नहीं कि 6 घंटे बोल दिया दीदी ने तो 6 घंटे सोना है। सो द थर्ड पॉइंट इज योर पर्पस ऑफ वेकिंग अप शुड बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा तुम्हें याद है कभी सुबह सुबह ट्रेन होती है, किसी को कहीं जाना होता है, या नीट वाले एग्जाम के दिन कैसे सुबह अपने आप नींद खुल जाता है, क्योंकि तुम्हारे पर प्रेशर रहता है कि नहीं मुझे नीट एग्जाम देना है। स्कूल के भी एग्जाम के पहले हम लोग जल्दी उठ जाते थे, नहीं कि रिविजन करना है, मैं तो उठ जाती थी, और कहीं बाहर जाना होता है तो भी तो जल्दी उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। तो पढ़ाई को एक स्ट्रॉन्ग रीजन, मैं जल्दी सुबह क्यों उठती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मुझे तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना है। मैं खुद ब खुद उठ जाती हूँ क्योंकि मैं रात को सोच के सोती हूँ कि नहीं सुबह उठ के मुझे ये वीडियो बनाना है। तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तुम अपना सो के उठते फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो या सबसे जो तुम्हारा वीक है वो पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको अपना रीजन ढूंढना पड़ेगा। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट इज फॉलो अ बेड टाइम रूटीन। सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लो, जिंदगी सवर जाएगी। सोने का और उठने का टाइम, एक बंदी ने कमेंट किया था, वो 2 बजे तक सोती थी रात को। जब मैंने बोला नहीं रात सोने के लिए होता है, दिन पढ़ने के लिए होता है, बंदी ने अपना 11 बजे सोने का टाइम कर लिया। मतलब लोग चेंज कर रहे हैं तो तुम भी तो कर सकते हो ना, तुम भी तो इंसान हो, तुम किसी से अलग कोई ना हो। मैं रोज 9 बजे तक उठती थी, आज मैं 6 बजे उठी हूँ। क्यों यार, अपने से उठी हूँ, अलार्म लगा के उठी हूँ, चलो ठीक है, बट ऐसे कभी मत सोचना कि तुम ही नहीं उठ पाते हो, सब उठ जाता है। सब इंसान चेंज कर सकता है, इनिशियली थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अभी मुझे लेजीनेस फील हो रहा है, पर यार 1-2 दिन तक होगा, चलो मैं मान लेती हूँ 10 दिन तक होगा, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, ठीक है। So the fifth point is jump off the bed right away as soon as the alarm rings. So इसमें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ मेल रॉबिन्स का 5 second rule। जैसे ही तुम्हारा अलार्म बजता है तुम्हें अपने दिमाग में countdown चालू करना है, 5, 4, 3, 2, 1। जो भी तुम दोहर ओहर ओढ़ के सोते हो उसको हटाओ और एकदम तुरंत एनर्जेटिकली बेड से उठोगे, तुम्हारा नींद ऐसे चला जाएगा। और अगर तुम्हारा फेवरेट गाना बज रहा है, मैं तो एकदम मस्ती से डांस करते हुए उठती थी, मुझे तो बड़ा मजा आता था, कभी कभी रोमांटिक गाना भी लगा लेती थी। लाइक मेरा फेवरेट गाना वो कसूर है ना, प्रतीक कुल्लड़ क्या नाम, सॉरी अगर गलत नाम बोल दिया तो, वो क्या कसूर है मेरा, लाइक फेवरेट। और एक गाना है बहुत ही उसका मुझे बीट्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसका बीट ड्रॉप मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने उसको कार में सुना था जब बेस बहुत गजब था, तो मुझे बड़ा डांस करने का मन कर रहा था, और जब मैंने उसका लिरिक्स पढ़ा मुझे इतनी हंसी आती थी। तो वो गाना वैसा, लेकिन उसका नाम था मैरी जुआना। अब तुम लोग लिख के सर्च मत कर रहे यूट्यूब में, लेकिन बीट वाज लाइक ऐसा करके था, लेकिन मस्त मेरे डांस करने का मन करता था उसपे। तो मैं सुबह ये दोनों गाना ऐसे कुछ लगा लेती थी। अब सबका फेवरेट गाना अलग होता है, तो तुम लगा लेना, ठीक है। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है, ओनली स्टार्टिंग डेज विल बी हार्ड। यार
ऐसे तुरंत हर चीज कोई ना हो जाता है, झेलना पड़ता है। अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले दिन सुबह उठोगे, आलस लगेगा, पूरा दिन नींद आएगा। पर अगर तुमने अपना स्लीप साइकिल वाला जो नंबर ऑफ आवर्स तुम्हें जितना रिक्वायर्ड होता है, अगर वो तुमने मेरे तरीके से देख के उसके अकॉर्डिंग अलार्म लगाया ना, तो तुम बहुत बहुत फायदे में रहोगे। लाइक समझ लो मेरा है 7 hours 42 minutes, मेरा स्लीप साइकिल है ये, ठीक है। तो मैं अलार्म को वैसे ही फिक्स करूंगी कि मैं 7 hours 42 minutes ही सोऊं। अगर 42 से तुमने 7 hours 30 minutes भी कर दिया ना, गए फिर तुम, पूरा दिन तुम्हें नींद आएगा, लेजीनेस फील होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम लोग को भी ऐसा फील तो जरूर होता होगा मेरा वीडियो देख के कि बंदी जो कंटेंट दे रही है, शायद वो यूट्यूब में किसी ने इस फील्ड में एज अ मेंटर तो नहीं दिया होगा। और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज होते हैं, आई स्वेयर बहुत अच्छे अच्छे, मैं खुद सीखती हूँ कभी कभी उनके वीडियोज से। लेकिन नीट एस्पिरेंट के मेंटर्स ने इतना अच्छा कंटेंट तो नहीं दिया होगा। हाँ, अपनी तारीफ तो खुद कर लेनी चाहिए। और कूड़ा फैलाने वाले लोग तो है ही मेरे कमेंट सेक्शन में और मेरे रिलेटिव्स। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, होप तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो। और सिर्फ वीडियो देखने वाला काम मत किया करो, जो बताती हूँ उसको भी किया करो, ठीक है, काम आएगा तुम्हारे। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ और एकदम रिलेवेंट कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट देती हूँ। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।